को निकालना है, तो मेरा ख्याल है तीनों को आपको सीजीएस एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तीन में से आप जो सा चूज करें मैं कर दूंगा, प्लांक कांस्टेंट, बल्क मॉडुलस या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तीन में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, मैं एक को कन्वर्जन फैक्टर निकाल दूंगा। किसका निकालूं बताओ? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का, प्लांक कांस्टेंट का या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का? बताओ बाल को फुर्ती से। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल दे। चलो ऑनलाइन वालों ने कोई जवाब नहीं दिया, ऑफलाइन वालों को कहना है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल दो, कोई सा भी एक निकाल दो, तो एक ही चीज है, कुछ नहीं करना है। ये वही क्वेश्चन है, ध्यान देखें, ये वीडियो स्टार्ट कर दिया था, ये वही क्वेश्चन है जो आपने क्वेश्चन किया होता है, याद दिलाओ, जो आप कन्वर्जन ऑफ यूनिट कर रहे थे जूल अर्गन न्यूटन डाइन, उसमें से आपने एक किया हुआ था द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज दिस मच, वहां पे आपका क्वेश्चन का आया था स्पीड का था, सिंपल क्वांटिटी के साथ इसलिए समझाया था ताकि आपको ईजिली समझ में आए। अब यही चीज आप देखना क्या होगी, पैटर्न क्वेश्चन का वही है, क्वांटिटीज लेंथी हो सकती है, आई एम सेइंग नॉट टफ बट द लेंथी, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला एल टी माइनस वन था, ग्रेविटेशनल उठाओगे माइनस वन एल थ्री करके जाएगा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाला कह रहे हो ये आपका जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, मेरी बात समझ आ रही है? क्या होगा केवल फॉर्मूले चेंज होंगे और पैटर्न चेंज नहीं होगा। जैसे आपसे कहता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए गैस इज दिस मच डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का आपका जो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। क्या ये समझ में आ रहा है कौन से सिस्टम में डाइन और सेंटीमीटर समझ में आ गया होगा? ये सीजीएस सिस्टम है और जानना चाह रहा है व्हाट इज इट्स वैल्यू इन एसआई यूनिट्स, तो इसकी एसआई यूनिट्स में वैल्यू क्या होगी? कुछ ना कुछ तो होगी और वही पुराना पैटर्न, ध्यान देखें इस टाइप के क्वेश्चन को हमने किया था जब आपको यूनिट कन्वर्जन करना हो आप बताते थे फ्रॉम पी इज इक्वल्स टू एन वन यू वन इज इक्वल्स टू आपका कितना होगा एन टू यू टू, और अगर P is equals to N1, U1 is equals to N2, U2 है, तो फिर अगली बार आप कह देंगे, ध्यान देखें, ये आपका 7 into 10 raised to power 5 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा N2। और अब ध्यान देखना, दो चीजें बताता हूं, ये आपके कॉमन सेंस का परीक्षण है, ठीक है? पहले मुझे बताएं क्या आपको अंदाज लगता है इस सिस्टम में यूनिट क्या होगी, यहाँ यूनिट क्या लिखूं यहाँ पर? बताओ कोई भी व्यक्ति, किसी को समझ में आ रहा हो 7 into 10 raised to power 5 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, उधर क्या लिखूं N2 के साथ यूनिट मुझे क्या लिखनी चाहिए? हाँ मैं भी सही कह रहे हैं, बहुत कुछ और सोचें एक मिनट में, न्यूटन और आधा बता दिया है, थोड़ा आधा और बताएं पर मीटर स्क्वायर, ध्यान दिया। कई बार क्या होगा आप सिर्फ कॉमन सेंस, अगर आप फिजिक्स केवल सीख रहे हैं, मैंने कहा और फिर कहा 11th इज द लर्निंग स्टेज, पहले कहा था ये बस सोचना मिले तो पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, अगर आप सीखते हुए जा रहे हैं तो आप अंदाज लगा सकते हैं। देखो ध्यान से डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अच्छा आपने को पिछले क्वेश्चन से, ये नहीं कह रहा लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर पढ़ना पड़ा है, हमने नहीं पढ़ा, लेकिन पिछला एक क्वेश्चन हमने किया हुआ है न्यूटन और डाइन, दीज आर द यूनिट्स ऑफ फोर्स इन सीजीएस एंड एसआई सिस्टम। और मैंने कहा था कोई भी लर्नर अगर कहीं से भी ज्ञान बटोरता हुआ जाएगा तो उसे अंदाज लग जाएगा ये डाइन पर सेंटीमीटर है, तो मैं लिख सकता हूँ न्यूटन पर सेंटीमीटर की जगह मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ मीटर स्क्वायर, बिकॉज इट इज द सिस्टम विद एसआई यूनिट्स। अच्छा मान के चले सपोज करें दिमाग आपका नहीं चला, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है इस केस में तो चल गया, हो सकता है कोई ऐसी यूनिट आ जाए तुम्हें ध्यान ही नहीं आया इसका क्या था, कोई बात नहीं उसका इलाज भी बता देता हूँ। अगर आपको ऐसा लगे बोले मैं नहीं ध्यान आ रहा, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप यही लिखें, अगर ये लिख देते हैं तो बहुत बेहतर है, ये जिनमें अंदाज लग जाए, जिनमें नहीं लगे उनमें आप कुछ मत करना, उसमें आप सिंपल देख लेना काय में वैल्यू निकालनी है ऐसा ही यूनिट में, तो आप लिख देना यहाँ पर खत्म बात, कुछ ना कुछ नाम होगा यूनिट का, नहीं मालूम हमें पर ये तो कंफर्म है ना एसआई वाली यूनिट होगी, यानी कितने हो जाएंगे 7 into 10 raised to power 5 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होगा N2 एसआई यूनिट, N2 एसआई यूनिट, भैया मुझे नहीं याद आ रहा है समय नाम भूल गया मैं, कोई बात नहीं एसआई यूनिट होगी ये तो कंफर्म है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और अगर याद आ गया
देन इट इज द बेस्ट अप्रोच। ये तो अपने पास है कि मैंने दोनों तरीके बता दिए ताकि किसी को कोई डाउट नहीं हो, अब याद आ गया तो क्या करेंगे और नहीं आया तो क्या करेंगे। मैंने कहा दोनों ऑप्शन आपके पास है, बस कहानी खत्म। कहानी खत्म इसलिए वो आप सीधे वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए ध्यान देखना जब आप जाएंगे आगे तो आगे आप क्या चीज बताएंगे, आप बताएंगे 7×10^5 क्या चीज निकाल रहे हो, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। किसी को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन याद हो तो बताओ मुझे फुर्ती से। ML-1 T-2 बढ़िया। इतने सारे लोगों में केवल तुम ही जवाब दे रहे हो तो फिर बाकियों का क्या होगा भाई, बाकियों का एक भविष्य तो यहाँ बैठा है, बाकियों का भविष्य क्या होगा है क्यों, और भविष्य तुम्हारा खुद का भविष्य क्या होगा, ये याद है कि नहीं याद है? याद करें बड़ा कि वो चैप्रामेंट पे चले गए, हम तो आधे कार्टन गायब कर देंगे। चले आप चाहें तो मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दूंगा, आप चाहें तो मैं ऐसा ही यूनिट लिख दूंगा, आप क्या लिखना चाहते हैं मुझे बताओ। तो बस इसका भी आप ध्यान देखना, इसका भी आपका कितना होगा, इसका भी होगा आपका ML-1 और T-2। फिर आपसे कहा था इन दोनों में अंतर क्या होगा, तो हर बार मैं एक ही पैटर्न में पढ़ाता हूँ, मैंने कहा था इन दोनों में अंतर ये होगा, ये पहला सिस्टम है और ये आपका दूसरा सिस्टम है, ये हो गया कन्वर्जन ऑफ यूनिट। अगली बार आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 7×10^5। सबसे पहले आपके आ जाएंगे, बिल्कुल अलग अलग लिख देता हूँ, एक हो जाएगा आपका M1/M2, एक हो जाएगा आपका L1/L2, पावर में दिख रहा होगा -1 है, और साथ में हो जाएंगे T1/T2 और ये सब इज इक्वल्स टू निकलेगा N2। इट इज बेटर टू राइट द N2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। लगभग लगभग हम N2 निकालने के पास पहुंच गए, तीन लाइनें फुर्ती से आप निपटाएं, फिर हम आगे जाते हैं। बस एक क्वेश्चन हमारा हो गया, बाकी सब भी ऐसे हो जाएंगे। सर T1/T2 है, मैंने 2 लिख दी क्या? हाँ सही कह रहा हूँ, 2 लिख दिया। अब मैं माइनस कैसे लगाऊं, कैसे लगाता हूँ, चलो बढ़िया। नाम मैंने नोट कर दिया, एक सेकंड में है ना, जो जो ज्वाइंट थे आओ वापस हम चलते हैं। और एक पेन काम गया, अरे वाह ये तो कमाल हो गया यार, पेन मैंने कहाँ रख दिया। चलो और तो कोई नहीं ज्वाइन हुआ, चलो बढ़िया। अब इसके आगे में जो था, इसके आगे आप चाहे तो आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे करते हुए जाते हैं वो भी याद दिलाता हूँ। सबसे पहले याद दिलाता हूँ M1/M2, बस ये ध्यान रखना पहला और दूसरा कौन से है, ये देख रहा होगा CGS है या आपका कौन सा SI है। पहला वाला CGS है, CGS में मास होता है ग्राम में, SI में मास होता है किलोग्राम में। अपने आप दिख रहा होगा ये वैल्यू आपकी आएगी 1/1000, क्या है पहली वैल्यू समझ में आती है। ऐसे आप देखेंगे L1/L2 क्या ध्यान जा रहा है, पहला सेंटीमीटर है दूसरा मीटर है, और पहला सेंटीमीटर है मैंने कहा और दूसरा कितना है मीटर, तो ये ध्यान से देखें ये हो जाएगा आपका 1/100। अच्छा T1/T2 निकालने की जरूरत नहीं है, निकालने की जरूरत तो नहीं है, पर अब कोई कहेगा नहीं निकालो तो क्या करें, ऐसा लिख दूं बराबर SS=1, बस ठीक है और क्या। ठीक
अब जब आप इतना कैलकुलेट कर देते हैं तो एक लास्ट स्टेप में जाइएगा, इन तीनों वैल्यूज को फुर्ती से दिखा दें, बस हो गया हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। कोई चाहे तो निकाल भी सकता है इतनी देर में। एन टू इज इक्वल्स टू आपका कितना आएगा, 7 × 10⁵ एम वन अपॉन एम टू का मतलब हो गए आपके 1/1000, L1/L2 की पावर -1, L1/L2 था आपका 1/100 की पावर -1, और साथ में होगा आपका T1, ये 1 है और 1 की पावर -2, इसका होना ना होना बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। और आगे बढ़े इसके बाद, निकाल दो वैल्यू कितनी आएगी, निकाल पाओगे? 7 × 10⁴ है बस। और जैसी वैल्यू आपकी निकल के आई, दैट इज द कन्वर्जन फैक्टर। और कोई जानना चाहे वैल्यू भी बताओ तो हम रो भी बता सकते हैं, इसलिए आपका ध्यान देखें यही वाली लाइन काम में आएगी। चले यहाँ तक दिखा देते हैं एक साइड में, कौन सी लाइन, ये जो हमने लिखा था 7 × 5, आपका 9% बराबर कितना होगा एन टू, इसमें ये होंगे अगली बार बता सकते हो, इसका मतलब 7 × 10⁵ 9 पर सेंटीमीटर² इज इक्वल्स टू कितना होगा, ये होगा 7 × 10⁴, यही आ रहा है आपका आंसर सभी का, कोई चेंज तो नहीं, क्योंकि मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। और चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं N/m² अगर आपको याद है तो, और किसी क्वेश्चन में नहीं याद आ रहा तो उसका ऑप्शन क्या होगा, SI यूनिट्स, और वो भी नहीं लिखना चाहो तो यूनिट्स खत्म, इतने यूनिट्स होंगे, नाम बोले नहीं याद आ रहा खत्म, उसमें क्या दिक्कत है, क्या ये क्वेश्चन समझ आ जाता है। अब मैंने कहा यही क्वेश्चन आपको 3 बार रिपीटेड है, चेंज क्या होना है, चेंज होना है केवल और केवल डायमेंशनल फॉर्मूले का, वेदर यू हैव कंप्लीटेड दिस, ओके। जो हमने कहा आपका बचा हुआ रह जाएगा वो क्या होगा, बचा हुआ ये होगा कि आप देखेंगे ये क्वेश्चन का आए के लिए था बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द गैस के लिए। नेक्स्ट आप जाएंगे अगला, तो आप देखें सेम क्वेश्चन रिपीट होगा आपका, प्लैंक कांस्टेंट में नहीं आया समझ में, इसको तुम प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला ML-1 T-1 रख के कर लोगे। अगला क्वेश्चन होगा फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये वो क्वेश्चन हमने लिए हैं, जो ध्यान देखना ये वो क्वेश्चन है जनरल है, जनरल मतलब ज्यादातर पूछे जाते हैं, फिर भी मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज नॉट गारंटीड दैट द सेम क्वेश्चन विल रिपीट इन योर एग्जामिनेशन, दो आई एश्योर दैट द सिमिलर क्वेश्चन विल अपीयर, सिमिलर मीन्स इट मे बी द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इट मे बी द समथिंग एल्स, जो भी हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगा इसी टाइप का, करना वही काम है जो भी आप इसमें कर रहे थे, जो भी आपकी चीज है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कन्वर्ट करेंगे। 3 बार आप इसे कर चुके हैं, जूल अर्ग में, डाइन वाले में और स्पीड ऑफ साउंड में, तो इस तरह से मैंने 3-4 क्वेश्चन निकाल के दिखा दिए ताकि आपको आसानी हो। देन इसके बाद हम बढ़ते हैं, आपका कहता है डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन CGS सिस्टम इज 8 g/cm³, इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज दिस मच, यूनिट ऑफ मास दिस मच, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल,